हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सिलेनियम वेब ड्राइवर मेथड्स में ऑलरेडी मैंने आपको एक पार्ट में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हम लोग सिलेनियम के चार मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारे पास चार मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है गेट मेथड, सेकेंड मेथड हमारे पास होता है मैनेज मेथड, थर्ड मेथड हमारे पास होता है क्लोज मेथड एंड फोर्थ मेथड हमारे पास होता है क्विट मेथड। तो इन चारों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिकल डिस्कशन कर लिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्रीवियस सेशन को देख सकते हैं। आज मैं आपको सेशन टू में बताने जा रहा हूँ कि सिलेनियम वेब ड्राइवर के और कौन से चार मेथड ऐसे हैं जिसको हम लोग यहाँ पे एज ए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और सिलेनियम वेब ड्राइवर मेथड में ये भी मैंने आपको डिस्कशन किया था कि ये जो मेथड्स हैं इनको हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि सिलेनियम वेब ड्राइवर के मेथड्स को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बोलते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। क्योंकि हम लोग अलग अलग तरीके के जो ब्राउजर्स होते हैं, जब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो क्रोम ब्राउजर हो या फायरफॉक्स ब्राउजर हो या ओपेरा ब्राउजर हो, किसी भी ब्राउजर पे अगर हम लोग काम करते हैं तो मेथड हम लोग सेम तरीके के मेथड को ही यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि गेट टाइटल मेथड को कैसे यूज करते हैं, गेट करेंट यूआरएल मेथड को कैसे यूज करते हैं, गेट पेज सोर्स के मेथड को कैसे यूज करते हैं और फाइंड एलिमेंट के मेथड को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकली इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग गेट टाइटल मेथड जो है उसको यूज कर सकते हैं किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। तो जो डेटा हम अपने पास एक्सेस करेंगे किसी भी करंट पेज से, उस पेज में से उस करंट पेज का टाइटल अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो विद द हेल्प ऑफ गेट टाइटल मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये प्रैक्टिकली जावा के साथ हम लोग इम्प्लीमेंट इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और हम लोग देखते हैं आज गेट टाइटल मेथड और गेट करंट यूआरएल मेथड्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इक्लिप्स ऑलरेडी ओपन है, मैं जाके सीधे सीधे एक पैकेज बना लेता हूँ। पैकेज का नाम है Day 3। ठीक है, Session 3 हमारा एज ए प्रैक्टिकल, तो Day 3 पैकेज बना लीजिए। पैकेज पे जाके राइट क्लिक करके एक यहाँ पे क्लास बना लीजिए। क्लास का नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी नाम आपको यहाँ पे डिफाइन करना कर सकते हैं। हमने कर दिया वेब मेथड्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी क्लास को स्टार्ट करें तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास यहाँ पे क्लास क्रिएट हो जाएगी। क्लास क्रिएट हो गई, इसके बाद आपको एक मेन मेथड एक्सेस करना है, या मेन मेथड को आप यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। जावा में मेन मेथड को कॉल कराने के लिए मेन के साथ साथ कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर आप यूज कर लेते हैं तो डायरेक्टली पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्रोम ड्राइवर को ओपन करना है, तो यहाँ पे आप क्रोम ड्राइवर को ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू, फिर आप यहाँ पे यूज कर लीजिए क्रोम ड्राइवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आएगा, ड्राइवर के थ्रू आप किसी भी वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। तो ड्राइवर डॉट गेट मेथड को आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, अगर वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप। google.com को यहाँ पे मैंने ओपन किया और इस यूआरएल को हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि किसी भी वेब पेज को अगर लार्ज करना है तो उसके लिए ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ठीक है, ये आप पूरी कंप्लीट लाइन यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पर थ्रेड लगाना है, थोड़ी देर के लिए आप अपने पेज को होल्ड रखना चाहते हैं, तो थ्रेड डॉट स्लीप करके भी आप यहाँ पे इस तरीके से एक टाइम लगा सकते हैं, और इस टाइम के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास होल्डिंग होगी वेब पेज की वो यहाँ पे हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप थ्रेड लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए आपका वेब पेज स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे मुझको गेट टाइटल मेथड को यहाँ पे यूज करना है, तो आप ड्राइवर के साथ यहाँ पे डॉट गेट टाइटल मेथड को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब गेट टाइटल मेथड करेगा क्या, जिस करेंट पेज पर आप हैं उस पेज का आपको टाइटल निकाल के दे देगा, और उसको आप विद द हेल्प ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले मैं इसको एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर करने जा रहा हूँ। तो मैंने कर दी यहाँ पे स्ट्रिंग टाइटल। ठीक है, और ये जो टाइटल कीवर्ड मैंने लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरिएबल नेम। ये क्या है, ये एक वेरिएबल नेम है, जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आएगी वो टाइटल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और SYSO के थ्रू जब आपको टाइटल डिस्प्ले कराना होगा
यहां से आप अपने टाइटल को, टाइटल इज इक्वल टू प्लस, इस तरीके से भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको आउटपुट देखना चाहेंगे, या जब भी आप इसको रन कराएंगे, रन करा के जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, तो आपके पास यहाँ पे दिखेगा कि टाइटल लिखा हुआ वहां पे आएगा, और टाइटल के साथ साथ जो भी उस वेब पेज का करंट टाइटल होगा वो भी वहां पे विजुअलाइज हो जाएगा। तो वेब पेज अभी आपका ओपन हो जाएगा, ये क्रोम ड्राइवर की स्क्रिप्ट जब चलेगी, तो सबसे पहले क्रोम ड्राइवर क्या करेगा, आपके गूगल क्रोम को ओपन करने की कोशिश करेगा, ओपन करेगा, उसमें यूआरएल डालेगा, यूआरएल डालने के बाद उसमें से जो भी करंट टाइटल होगा उस वेब पेज का, उसको वो वहां पर ओपन करके कंसोल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। ये आपका ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो टाइटल इज इक्वल टू गूगल यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वेब पेज का टाइटल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा नोट लिख दे रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर लाइन से होगा क्या, इस पर्टिकुलर लाइन से आप वेब पेजेस के करंट, जिस पेज पर अभी आप हैं उसका टाइटल निकाल रहे हैं। तो करंट पेज का टाइटल आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और मेथड हम लोगों ने कौन सी यूज किया है इसके लिए, जो सिलेनियम में वेब ड्राइवर है उसके जो मेथड है उसमें मेथड का नाम क्या है, गेट टाइटल, ये आपके पास हो गया मेथड नेम, ठीक है ना। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है कि टाइटल को निकालने के लिए किस तरीके के मेथड को यूज करना है, या कौन से मेथड को हम लोगों को यूज करना है, तो आप बता सकते हो गेट टाइटल नाम का मेथड है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल निकालने के बाद अगर किसी वेब पेज का आपको करेंट यूआरएल आइडेंटिफाई करना है, तो वो भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, टाइटल की जगह आप कर दीजिए सी यू आर एल, सी यू आर एल का मतलब हो गया करेंट यू आर एल, ठीक है। और गेट टाइटल आप यहां से हटा के आप सीधे सीधे कर दीजिए गेट करेंट यू आर एल। तो यहाँ पे देखिए आपको एक मेथड मिल जाएगा गेट करेंट यू आर एल का, ये आपके पास विजिबल है, गेट करेंट यू आर एल मेथड को आप यहाँ पे यूज कर दीजिए। सी यू आर एल इसको आप कॉपी करके अपने वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए, टाइटल को भी आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए सी यू आर एल हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब फिर से आप अपने एप्लीकेशन को एक बार रन करा दीजिए, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा अभी इसका। ठीक है, ये आपका वेब पेज ओपन हो गया। ओपन होने के बाद सी इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया करंट यूआरएल को एक्सेस करने का प्रोसेस, ठीक है। तो फिर से मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसी लाइन को कॉपी कर दे रहा हूँ ताकि आपको और ज्यादा ब्रीफली क्लियरिटी होती जाए कि किसके थ्रू क्या हो रहा है। वेब पेज का करंट टाइटल अभी तक आपने निकाला था, अब वेब पेज के करंट यूआरएल को आपने निकाला, ठीक है ना। करंट पेज यूआरएल अभी तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका मेथड नेम हमारे पास क्या है, गेट करेंट यूआरएल, ये एक कंप्लीट मेथड नेम है जिसको आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दो और मेथड जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर। एक मेथड और होता है इसी तरीके से, उसका जो प्रोसेस होता है वो कोड को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉट ड्राइवर डॉट गेट करके आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे पेज सोर्स, ठीक है ना। इस पेज सोर्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका वेरिएबल नेम यहाँ पे सी यू आर एल हटा के क्या कर दे रहा हूँ, वेब पेज सोर्स जो हमारे पास है ना, पेज सोर्स, उसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। पेज सोर्स आ गया, अब इस पेज सोर्स को दोबारा से कॉपी करिए, फिर पेस्ट करिए, फिर पेस्ट करिए, ठीक है। अब दोबारा से जब आप इसको रन कराएंगे तो HTML का जो भी कोड होगा वो आपको यहाँ पे विजुअलाइज हो जाएगा इजी तरीके से। तो एग्जीक्यूशन करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट यहाँ पे आने वाला है। वेब पेज लोड हो चुका है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हो गया है। अब जैसे ही आप इसको मिनिमाइज करेंगे, ये देखिए आपके पास उस पेज का जो बैकएंड का कोड होता है ना HTML से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे विजुलाइज होने लगता है। तो गेट पेज सोर्स से आपके पास क्या होगा, आपके पास करंट जिस भी वेब पेज के ऊपर आप अभी हैं, उस वेब पेज का जो भी आपके पास सोर्स कोड चाहिए होगा वो आप एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट पेज सोर्स मेथड। तो इस मेथड को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, गेट पेज सोर्स मेथड है, इसका काम क्या है, करंट जिस पेज पर आप हैं उसका कोड आइडेंटिफाई करना। तो कौन सा कोड मिलेगा, HTML कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से एग्जीक्यूट करके देखिएगा। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।